जो इस मुद्दे को जड़ से उखाड़ सकता है। करण सिंह डोगरा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल रिव्यू बाजार में एक बार फिर से। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के रियल एक्शन किंग विद्युत जामवाल की फिल्म कमांडो 3 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में। और दोस्तों जानने वाले हैं कि आज इस फिल्म ने अपने पहले दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई की है और इस फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है वो क्या रहा है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते है कि कमांडो 3 जो कि कमांडो सीरीज की तीसरी फिल्म है, इससे पहले की दोनों कमांडो फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ऑडियंस को खूब पसंद आई थी, क्योंकि दोस्तों उन दोनों ही फिल्मों में विद्युत जामवाल का आपको काफी शानदार एक्शन और काफी अच्छी स्टोरी देखने को मिली थी। वहीं अगर बात करें यहां पर हम लोग फिल्म कमांडो 3 के बारे में, तो दोस्तों कमांडो 3 भी बॉक्स ऑफिस पर ऑडियंस को खूब पसंद आने वाली है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इस फिल्म का जो ट्रेलर आया था वो तो लाजवाब था ही। अब दोस्तों ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिलीज भी हो चुकी है, जिसे कि ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों ही पसंद कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि विद्युत जामवाल की ये फिल्म, जिसमें कि हिंदू मुस्लिम के भाईचारे को दिखाया गया है और दिखाया गया है कि किस तरह से आतंकवाद के खिलाफ हिंदू मुस्लिम दोनों एक होकर लड़ते हैं, इसी के ऊपर दोस्तों ये फिल्म बनाई गई है, जिसमें विद्युत जामवाल ने एक स्पाई ऑफिसर का काम किया है। बताने चले दोस्तों आपको कि इस फिल्म को ऑल ओवर इंडिया में आज लगभग 2300 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है। और अगर बात करें इस फिल्म की लीडिंग स्टार कास्ट के बारे में, तो दोस्तों इस फिल्म के लीड में आपको विद्युत जामवाल के साथ अदा शर्मा और गुलशन देविया भी नजर आए हैं। दोस्तों इस फिल्म को डायरेक्ट किया है आदित्य दत्त ने, वहीं इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है दोस्तों रिलायंस एंटरटेनमेंट ने। अब अगर बात की जाए इस फिल्म के आज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, तो दोस्तों काफी अच्छे रिव्यूज और काफी अच्छी रेटिंग्स मिलने के साथ ही विद्युत जामवाल की यह फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर आज मॉर्निंग से ही काफी शानदार ऑक्यूपेंसी के साथ ओपन हुई थी। और आज की इस फिल्म की जो मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी रही वो रही 15-20% की, जो कि दोस्तों एक तरह से काफी शानदार ऑक्यूपेंसी है। और बात की जाए इस फिल्म के फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो दोस्तों आपको बता दें कि विद्युत जामवाल की इस फिल्म को, जिसमें कि काफी लाजवाब एक्शन और काफी अच्छे वीएफएक्स शॉट दिखाए गए हैं, दोस्तों यह फिल्म आज अपने पहले दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 6 करोड़ की कमाई आसानी से कर रही है। वही दोस्तों बात करें ग्रॉस बॉक्स ऑफिस की, तो दोस्तों ये फिल्म अपने पहले दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर ग्रॉस में कलेक्शन कर सकती है लगभग 8 करोड़ रुपए का। वहीं वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का जो पहले दिन का कलेक्शन है वो रह सकता है लगभग 10 करोड़ रुपए का। इस तरह से दोस्तों लगभग 30 करोड़ के बजट से बनी ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले ही दिन से सुपरहिट साबित होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इस फिल्म का जो बजट है वो है लगभग 30 करोड़ रुपए का और इस फिल्म को इंडिया में हिट होने के लिए लगभग 40 से 50 करोड़ के बीच की कमाई करनी होगी। दोस्तों इस फिल्म को अपने पहले दिन तो बॉक्स ऑफिस पर काफी शानदार ओपनिंग मिली है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या अब ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर इसी तरह की कमाई अपने दूसरे दिन और अपने तीसरे दिन भी कर पाएगी या नहीं? आप हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अगर आप भी विद्युत जामवाल के एक्शन के दीवाने हैं तो हमारे इस चैनल रिव्यू बाजार को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।